102 घंटा पूरा गेट लगाया हुआ, अंदर गेट लगाया हुआ पूरा, लाइट का कनेक्शन है, रीसेल प्रॉपर्टी है ये, कुछ 30 बाय 90 का कुछ ये घर बनाया हुआ है। ये बोरिंग है, अंदर बोरिंग भी देख सकते हो आप पूरा। अब इसको ऊपर का शेड लगाना बाकी है। पूरी जगह को तार कंपाउंड मारा हुआ है पोल का, पूरी जगह को वापस टेबल लैंड किया हुआ है जेसीबी से। पूरी जगह के अंदर पेड़ भी आ रहे हैं, और जगह का सबसे बड़ा खूबसूरती है इसका व्यू, जो आजूबा पर्वत का व्यू है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो 102 गुंटा छोटी सी प्रॉपर्टी, पूरी कंपाउंड लगी हुई, लाइट, दो बोरिंग है अंदर, आम के पेड़ है, पूरी जगह लाल मिट्टी है, एक भी पत्थर नहीं है जगह के अंदर, एक भी पत्थर नहीं है। तो बहुत प्यारी सी जगह है, अच्छी टेबल लैंड प्रॉपर्टी है। ये सब आजू बाजू बहुत सारे प्लॉट करके टुकड़े कर कर करके दिए हुए हैं। तो बहुत, आप देखिए पूरा व्यू देखिए सामने, आजूबा पर्वत का व्यू। थोड़ा मैं आगे जाके जूम करके भी दिखाऊंगा। आजूबा पर्वत बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिखता है, बारिश में तो पूरा फॉग फॉग हो जाता है। और आजूबा पर्वत की एक कहावत है, ये झाड़ भी जगह के अंदर है, आजूबा पर्वत के ऊपर वाल्मीकि आश्रम है। वाल्मीकि आश्रम मतलब ऋषि समाधि है उसकी, जिधर लव कुश, रामायण में सीता मैया के लड़के लव कुश का जन्म हुआ था। तो गवर्नमेंट ने आज उधर 54 करोड़ रुपये सेंक्शन किए हुए हैं, तो बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस हो गया है। ये है सेकेंड बोरिंग, ये देखिए ये पूरी सेकेंड नंबर की बोरिंग है। तो पूरी जगह कंपाउंड करके 102 गुंटा, ये शेड अंदर बनाया हुआ, खाली आपको छपरे लगाने हैं। पूरी जगह टेबल लैंड की हुई है, मुंबई से करीब 110 किलोमीटर है, रीसेल प्रॉपर्टी है, लाइट है, बोरिंग है, रेडी टू मूव है। तो बहुत प्यारा सा अच्छा लोकेशन है, एक बार विजिट करके आप देखिए। पूरा मतलब सब खर्चा हो चुका अंदर। थैंक यू।